आज लगातार 75 साल की बीन बजाई जा रही है अमृत महोत्सव की, और लोगों से कहा जा रहा है कि तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, तुम्हें सुरक्षित माहौल नहीं मिल रहा है, तुम्हारे साथ हर समय तुम यौन शोषण के वातावरण में काम करने के लिए तुम मजबूर हो, उसके बाद भी तुम गर्व से कहो कि तुम भारतीय हो। बिल्किस बानो जैसी करोड़ों औरतों के जो परिवारीजन हैं उन वो किस मुँह से कहें कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हम आज़ाद हैं या हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। केंद्र की गाइडलाइन है, रिमिशन की जो पॉलिसी है उसको रेप के केसेस में नहीं यूज़ करिए, उसके बावजूद इस इतना भयमुक्त तरीके से ना सिर्फ उनको रिहा किया जाता है, उनका महिमा मंडन किया जाता है। 75 साल आज़ादी के सावरकर से लेकर आज हमें क्या मिलता है? बजरंग मुनि जैसे लोगों को प्लांट किया गया हुआ है पूरे देश में कि ना सिर्फ नफरत और भटकावे की राजनीति को प्रमोट करें, बल्कि रेप, यौन हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस को आप पॉलिटिकल वेपन की तरह प्रमोट करिए, ताकि एक बहुसंख्यक हिस्सा जो महिलाओं का गरीब परिवार था, दलित परिवार, बहुसंख्यक समुदाय से आता है, उसको शोषित बनाए रखा जा सके, उसको उसके यौन हिंसा की जमीन को ना सिर्फ तैयार रखा जा सके, उसको और ज्यादा पुख्ता किया जाता रहे। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसा प्रदर्शन भी हो रहा है जिसमें बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे, जो आरोपी थे जिन्होंने बलात्कार किया, उन 11 आरोपियों को मालाएं पहनाकर मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो अभी हम जानते हैं, तो मैम ये क्या कुछ है और क्यों ऐसा हो रहा है? ये ऐसा पहला देश है जहाँ पर किसी बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं और मिठाइयों से उनका स्वागत किया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसे समाज में रहते हैं जो महाभारत, रामायण इन सबकी बहुत सम्मान करता है, इज्जत करता है। एक पुत्र मोह में अंधे हुए लीन धृतराष्ट्र ने भी ये बात मान ली थी कि द्रौपदी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन आज के समय में जो सत्ताधारी हैं, जो सरकार के हेड्स हैं, जो इस सिस्टम के लठैत बने हुए हैं, उन्होंने आज ये जो फैसला आया है गुजरात सरकार का, उससे ये साफ कर दिया है कि अब आज अगर जो विक्टिम है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, वो अगर दलित परिवार से आता है आती है, गरीब परिवार से आता है आती है, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो सरकार के लिए उनकी चिंता, उनके दुख दर्द कतई मायने नहीं रखते, और सरकार उनको न्याय दिलाने की बजाय भयमुक्त वातावरण तैयार करेगी अपराधियों के लिए। आज आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक भयमुक्त वातावरण, लेकिन प्रधानमंत्री ने लाल किले से जब पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा था तब उन्होंने भाव भोग करके महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी। ये वही प्रधानमंत्री हैं। देखिए, हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। 11 तारीख को रक्षाबंधन के दिन आप अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ औरतों को बुरके में खड़े करके आप उनसे राखी बंधवा रहे हैं, और पूरे देश में दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितनी कितना भाईचारा है आपका, कितना भाई बंधुता है, और उसी के कुछ दिन बाद ये फैसला आता है गुजरात सरकार का, जिससे तस्वीर चरित्र सरकार का, इस व्यवस्था का एकदम साफ हो जाता है। मतलब आप आज लगातार, मतलब 75 साल की बीन बजाई जा रही है अमृत महोत्सव की, और लोगों से कहा जा रहा है कि तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, तुम्हें सुरक्षित माहौल नहीं मिल रहा है, तुम्हारे साथ हर समय तुम यौन शोषण के वातावरण में काम करने के लिए तुम मजबूर हो, उसके बाद भी तुम गर्व से कहो कि तुम भारतीय हो। बिल्किस बानो जैसी करोड़ों औरतों के जो परिवारीजन हैं उन वो किस मुँह से कहें कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हम आज़ाद हैं या हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं? आप एक बात बताइए कि केंद्र की गाइडलाइन है कि आप रिमिशन की जो पॉलिसी है उसको रेप के केसेस में नहीं यूज़ करिए, उसके बावजूद इस इतना भयमुक्त तरीके से ना सिर्फ उनको रिहा किया जाता है, उनका महिमा मंडन किया जाता है। 75 साल आज़ादी के सावरकर से लेकर आज हमें क्या मिलता है? बजरंग मुनि जैसे लोगों को प्लांट किया गया हुआ है पूरे देश में कि ना सिर्फ नफरत और भटकावे की राजनीति को प्रमोट करें, बल्कि रेप, यौन हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस को आप पॉलिटिकल वेपन की तरह प्रमोट करिए, ताकि एक बहुसंख्यक हिस्सा जो महिलाओं का, गरीब परिवार, दलित परिवार, बहुसंख्यक समुदाय से आता है, उसको शोषित बनाए रखा जा सके, उसको उसके यौन हिंसा की जमीन को ना सिर्फ तैयार रखा जा सके, उसको और ज्यादा पुख्ता किया जाता रहे। और यही सरकार ने आज इस फैसले से साफ कर दिया है कि वो सरकार खड़ी है अगर रेप की वारदात, अगर जुर्म की वारदात, बहुसंख्यक जो महिलाएं दलित परिवार से आ रही हैं, आदिवासी समुदाय से आ रही हैं,
अल्पसंख्यक समुदाय से आ रही हैं, गरीब परिवारों से आ रही हैं, तो सरकार के लिए वो कोई चिंता नहीं है। सरकार दिखावे के लिए एक फेस पर ये सीना ठोक देगी कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति हैं जो आदिवासियों की, दलितों की प्रतिनिधि के तौर पर हमें दिखाई जाती हैं, लेकिन उसी समय उन्हीं आदिवासियों की जो घरों में जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, उनको आधी रात में उठा लिया जाता है, उनके साथ गैंगरेप होता है, उनको रेप किया जाता है, उनको म्यूटिलेट करके बॉडी को आधी रात दफना दिया जाता है, घर वालों को शव तक नहीं मिलता है, और देश की राजधानी में कई औरतें कई बच्चियां उनके साथ आए दिन रेप होता है, आए दिन गैंगरेप होता है, और एक हॉस्पिटल से हॉस्पिटल खून बहते हुए स्थिति में उनको भटकाया जाता है, एम्बुलेंस नहीं मिलती, वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर नहीं मिलता, उसके अलावा FIR दर्ज कराने अगर जाएं, बता रही हूं मैं आपको वही है, FIR दर्ज कराने जाएं तो ये रिस्क है उनके साथ कि दोबारा उनके साथ बलात्कार हो जाएगा, दोबारा उनके साथ गैंगरेप हो जाएगा, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। तो इस बिल जो आंसू थे, जो भावुकता थी, क्या दिखावा है क्या? देखिए वही जैसे कि हमने कहा, हाथी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। किसी भी सरकार, किसी भी समाज ने कितना प्रोग्रेस कर लिया है ये इसी बात से बताया जा सकता है कि उस समाज का जो सबसे दबा कुचला हिस्सा है उसके लिविंग स्टैंडर्ड में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, उसके लिए जो सिक्योरिटी एक देश में वो महसूस करता है रह पाने की, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, तो उसमें यही इंप्रूवमेंट हुआ है कि आज सीना ठोंक कर ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ, दलित परिवार की महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ तुमने अगर यौन हिंसा की है और तुम कर रहे हो तो तुम देशभक्त हो, तो तुम बहुत तुम शौर्यगान करने लायक हो। सावरकर को राष्ट्रभक्त बताया जाता है, वीर सावरकर कहा जाता है, उसी सावरकर की बात प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में जिक्र किया। देखिए ये कोई किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है कि हमारी जो सरकारें हैं वो सब हिंदुत्ववादी सरकारें हैं, ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, मनुवादी सरकारें हैं, और धर्म उन्हें अपने तह पर जाकर देखें तो उन्हें धर्म से भी मतलब नहीं है, उन्हें मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने से सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो समाज का संसाधन है, समाज की जो दौलत है, वो लगातार जो सत्ताधारी हैं, जो 1% से भी कम पूंजीपति हिस्सा है उसके हाथ में जाती रहे, और जो बहुसंख्यक हिस्सा है लोगों का जिसमें महिलाएं कामगार आबादी, मेहनतकश आबादी महिलाओं की जो है वो तिल तिल पिसने के लिए, शोषित होने के लिए, रोज रेप होने पर और अगले दिन फिर उसी जगह पर जहां पर उन्हें पता है रेप हो सकता है वहीं पर दोबारा काम करने के लिए मजबूर जाने पर वो मजबूर होते रहे, उसकी जमीन तैयार होती रहे। महिलाएं तो सुरक्षित अपने आप को महसूस करे, गहना जेवर पहन के रातों में निकल जा रही है, यूपी में इतनी सुरक्षित है महिलाएं, यूपी में कितनी सुरक्षित है महिलाएं हमने हाथरस की घटना में देखा है, यूपी में कितनी सुरक्षित है महिलाएं ये तो हमने बजरंग मुनि जैसे लोगों के बयानों में साफ साफ तौर पर देखा है, और मैं खुद भी यूपी से हूँ। अमृतकाल तो इतना चल रहा है यहाँ पर, अभी हमने 14 तारीख को एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर सफाई कर्मचारियों का देखा, जहाँ पर सफाई कर्मचारी महिलाएं औरत दोनों, महिलाएं और आदमी दोनों यहाँ पर गटर का एक प्रतीक बनाते हुए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए शामिल हुए थे कि 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन आज भी हमें साफ सफाई करने का काम जो दलित महिलाएं हैं उनसे मैला ढोने का काम हाथ से करवाया जाता है। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का आपको आलम बता दूँ, उसके अंदर भी बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के, बिना मशीन के हाथ से मैला उठवाया जाता है। तो हमने यही अमृतकाल है, और यही अमृतकाल है जहाँ पर ये साफ तौर पर सरकार संदेश दे रही है कि अगर अपराधी डोमिनेंट कास्ट से हैं, बेटर ऑफ फैमिली से हैं, बेटर ऑफ क्लास से हैं और सरकार के लठैत हैं, तो उनके लिए भयमुक्त वातावरण ना सिर्फ तैयार किया जाएगा, उनका महिमा मंडन किया जाएगा। अमृत किसको मिला, विष किसको मिला है, कौन विष पान कर रहा है? अमृत देखिए, देखा है हमने जैसे कि लाख लाख करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद भी अडानी जैसे लोग दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, और दुनिया में देश में अरबपतियों की जो संख्या है, यूनिकॉर्न्स जिसको कहते हैं, वो आपदा के समय में अवसर खोज के बढ़ जाती है, उसी समय जब करोड़ों करोड़ों जिसका हिसाब नहीं है, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती है, जुर्म की वारदातें लगातार बढ़ती हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की वारदातें लगातार बढ़ती हैं, महिलाओं में बेरोजगार महिलाओं का हिस्सा लगातार बढ़ता है, वो दलित महिला जो किसी अमृत नहीं मिल रहा है क्या? वो ये साफ सी बात है कि जब आज़ाद एक इस देश का बहुसंख्यक हिस्सा ये नहीं मानता है, ना ये महसूस कर पाया है कि इन 75 सालों में उसे कभी भी आज़ादी मिल पाई है, क्योंकि आज़ादी इस खास तौर पर इसलिए नहीं मिली है कि सरकारें आती जाती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन वो व्यवस्था वही रहती है, जो व्यवस्था वो ज़मीन नहीं बदलना चाहती, वो परिस्थितियाँ नहीं बदलना चाहती, जिस परिस्थितियों में बहुसंख्यक जनता, बहुसंख्यक महिलाएँ शोषित होने के लिए, यौन शोषण सहने के लिए और रोज़ तिल तिल मरने के लिए मजबूर है। राजस्थान का एक बच्चा जब पानी पीने 7 साल का लड़का एक विद्यापीठ मंदिर के अंदर जब जाता है, एक स्कूल है जिसका शिशु विद्या मंदिर है, RSS के स्कूल है, उसमें पानी पीने के लिए जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए हमारे देश में जो खुद को बहुत बड़े संघ चालक
या हिंदुत्ववादी नेता भी बताते हैं, आप उनका जाकर पता कर लीजिए, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, अपने बच्चों को वो शाखा में और पढ़ने नहीं भेजते हैं, अपने बच्चों को वो कॉन्वेंट स्कूल भेजते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने भेजते हैं। और गरीब का, दलित का बच्चा मजबूर होता है कि वो जब गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ने जाएगा तो ये सरकार, ये समाज उसका पढ़ना दूभर कर देता है। एक दलित परिवार से आने वाली जो बच्ची है या बच्चा है, उसको जब वो स्कूल जाता है, उसको सरकारी स्कूल में पहुंचा पाने के लिए आंदोलन हुए हैं अयन कली के समय से लेकर आज तक, और उसका प्रोग्रेस सिर्फ इतना ही हो पाया कि या तो उनसे झाड़ू लगवाया जाता है या फिर उनको मटके से पानी पीने के लिए मार दिया जाता है। शिक्षा नहीं मिल रही दलितों को, विश्व गुरु बन गया है। देखिए, विश्व गुरु तो इतना बन गया है, ये इस वर्डिक्ट से भी पता चल जाता है जो गुजरात के से अभी आया है, और इस बात से भी पता चल जाता है कि लगातार बेरोजगारी की जो दर बढ़ रही है, भुखमरी के इंडेक्स में लगातार देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था किस तरीके से गिर रही है, रुपी इंटरनेशनल इकोनॉमी में किस हिसाब से गिर रहा है, इन सब चीज़ों का कोई हिसाब नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है कि 75 साल कह रहे हैं आज़ादी के हो गए हैं, मशीन बहुत समय से मौजूद हैं साफ सफाई कराने के लिए, उसके बाद भी बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के आज हर दिन 100 से ऊपर लोग मैला साफ करते हुए गटर के अंदर बेमौत गुमनाम मौत मरने के लिए मजबूर हैं। तब जब एक यान भेजा जाता है मंगल ग्रह पर पानी खोजने के लिए, और वहीं यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट और मशीनों के होने के बावजूद महिलाओं को, आदमियों को हाथ से मैला ढोने के लिए 40 से 100 रुपये की बिलो डिग्निटी वेजेस पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, उस समय ये ज़मीन तैयार होती है कि एक समाज का हिस्सा उसको अछूत कहता रहे, उसको गंदा मानता रहे और उसको शोषित करता रहे। घर घर तिरंगा लहराया जा रहा है और आप ऐसे मुद्दों की बात करें, ऐसे मुद्दे कुछ मायने ही नहीं रखते, ये कोई मुद्दे हैं मैम? जगह जगह तो हिंदू मुसलमान मुद्दा है और जो है घर घर तिरंगा, मंदिर मस्जिद है और घर घर तिरंगा लहरा रहा है। देखिए हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर बगल के घर में ये देखो कि तुम्हारे घर में आग नहीं लगी है, तुम कितने सुखी हो, तो ये भटकावे की राजनीति है। जिसे घर पे छत ही नहीं है वो झंडा कहाँ लगाएगा।